गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बच्चों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आइसोमेरिज्म के बारे में स्टडी करेंगे। लेक्चर नंबर 18 होगा और वो भी कौन सा आइसोमेरिज्म स्टडी करेंगे हम लोग, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो आज की लेक्चर को अच्छी तरह से समझने के लिए जो आपको 16th लेक्चर दिया गया था आप उसे अच्छी तरह से पढ़ लें तो आज का लेक्चर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि जो आपको 17th लेक्चर में जो मैंने बताया था आइसोमेरिज्म क्या है और कहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में और उसका क्लासिफिकेशन कैसे कैसे था वो सब हम लोग देख चुके हैं। तो आप लोग क्या करें, उस लेक्चर को अच्छी तरह से उसको स्टडी कर लें, तब फिर आप आज के लेक्चर को स्टडी करेंगे, है ना। तो हम लोग आज लेक्चर 18th में स्टडी करेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में, और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में कौन कौन आ रहा था वो मैं आपको लिखा चुका हूँ। आयोनाइजेशन आइसोमर है ना, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म था, फिर लिंकेज आइसोमेरिज्म था, कोऑर्डिनेशन स्फीयर आइसोमेरिज्म था, हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म था, इन सब को मैं वहीं पर क्या कर चुका हूँ, बता चुका हूँ उसके बारे में, तो नहीं लिखा था लेकिन आज उस पर डिस्कस करेंगे हम लोग। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में सबसे पहला कौन सा आयोनाइजेशन आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म ये सब अपने नाम से ही सब कुछ कह देता है ना, समझने की कोशिश करना बाबू। देखो मैं आपके पास यहाँ पे दो कंपाउंड लिख रहा हूँ, कौन सा कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिख रहा हूँ। ये SO4 है, ओके बाबू। और दूसरा जो कंपाउंड है ये पहला मैं इसे कह दूँ, दूसरा मैं इसे कह रहा हूँ CO NH3 का होल 5। इस BR को मैंने बाहर कर दिया जो लिगेंड था, पहले मैं ये कह दूँ ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ये कॉम्प्लेक्स कैटायन है और ये सिंपल एनायन है ना। पहले कैटायन को लिखते हैं तब एनायन को लिखते हैं। एक कॉम्प्लेक्स कैटायन है, ये सिंपल एनायन है जिसको आप काउंटर आयन भी कहते हो। इसमें जो अमोनिया 5 लिगेंड जो था अमोनिया का और एक ब्रोमो लिगेंड था, वो लिगेंड क्या हो गया बाहर चली गई, और सल्फेट जो था अब यहाँ पे जो काउंटर आयन पहले था अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं उसको लिगेंड मैंने यहाँ पे बनाया। तो शायद कंडीशन इस प्रकार के हो जाएंगे, ओके। अब इसे वाटर में डालते हो तो वाटर में डालने पर ही कोई कंपाउंड डिसोसिएट कर जा करते हैं। तो अगर इसे वाटर में डालोगे, कहाँ पे बाबू, वाटर सॉल्वेंट में डालोगे तो क्या करेगा, ये टूटेगा, ये +2 चार्ज लेकर आएगा और टूटेंगे तो आपको इस प्रकार से ये कंपाउंड आपको देगा। ये Br इस पर +2 चार्ज और SO4 -2 आयन देगा, है ना। अब इसी में मैं जरा इस पर डिस्कस करूं, जरा अगर इसे वाटर में डालते हो, डालने पर ये जो वाटर में टूटेगा इस प्रकार से डिसोसिएट करेंगे इस प्रकार से SO4 करने डिसोसिएट करने के लिए मैंने बता चुका हूँ। इस पर ये माइनस चार्ज है, ये प्लस चार्ज है और Br माइनस, ओके बाबू केयर करना। यहाँ पर देखो जो पहला और दूसरा है एक दोनों का आइसोमर है, मैंने डिफिनेशन बताया था वहाँ पर कि आइसोमर क्यों आइसोमर है। आइसोमर होने के लिए दो चीज़ें आपको अप्लीकेबल होना चाहिए, एक तो उसका मॉलिकुलर फार्मूला सेम होना चाहिए और स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए डिफरेंट होनी चाहिए। तो देखो ये और ये
दोनों का मॉलिकुलर फार्मूला समान है। कैसे? एक कोबाल्ट है, एक कोबाल्ट है, पांच अमोनिया है, पांच अमोनिया है, एक यहाँ पर बी आर माइनस आयन है, यहाँ भी बी आर माइनस आयन है ना, एक यहाँ पर एस ओ फोर माइनस आयन है और यहाँ पर एस ओ फोर टू माइनस आयन है। दैट मीन्स जो इसमें वो इसमें है, तो दोनों का मॉलिक्यूल तो समान है, मॉलिकुलर फार्मूला बोलो या केमिकल फार्मूला बोलो दोनों समान है, लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग है। क्यों अलग अलग है? देखो आप वहाँ पर सेंट्रल मेटल के साथ पांच अमोनिया लिगेंड जुड़ा हुआ है, यहाँ भी पांच अमोनिया लिगेंड है, लेकिन उसके बाद देखो यहाँ पर बी आर माइनस लिगेंड है और यहाँ पर एस ओ फोर टू माइनस है। ओके बाबू, तो दोनों का मॉलिकुलर फार्मूला समान है लेकिन स्ट्रक्चर क्या अलग अलग है, इसलिए हम लोग इस दोनों का एक दूसरे का आइसोमर बोलेंगे। लेकिन किस प्रकार के आइसोमर है? वो आयनाइजेशन आइसोमर है कि लिंकेज आइसोमर है कि हाइड्रेटेड आइसोमर है कि कॉर्डिनेशन स्फीयर आइसोमर है, उस पर हम लोगों को डिस्कस करना है। समझना बाबू, तो देखो इस दोनों कंपाउंड को अगर आप वाटर में डालते हो तो डालने पर हमको ऑब्जर्वेशन कहाँ पर करना है, इस एनायन के बारे में ऑब्जर्वेशन करना है। तो जब इसे वाटर में डालोगे ये एस ओ फोर टू माइनस आयन को लिबरेट करेगी, और जब इसे वाटर में डालोगे ये ब्रोमाइड आयन को लिबरेट करेगी। तो इसलिए तो हम लोग इस प्रकार के आइसोमर को नाम क्या देंगे, आयनाइजेशन आइसोमर। तो डिफिनेशन क्या हो गया, उन सब कोऑर्डिनेशन वे सभी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आयनाइजेशन आइसोमर कहलाएंगे जो वाटर में, क्या करना यहाँ पे पॉइंट मार्क करना, जो वाटर में डिफरेंट नंबर ऑफ या डिफरेंट नेचर ऑफ, तो क्या डिफरेंट नेचर का है ना, डिफरेंट नंबर ऑफ या डिफरेंट नेचर ऑफ सिंपल एनायन को लिबरेट करता हो। क्या करना बाबू, डिफरेंट नंबर ऑफ या डिफरेंट नेचर ऑफ सिंपल एनायन को लिबरेट करता हो तो हम लोग उसको नाम देंगे आयोनाइजेशन आइसोमर। वे सभी कंपाउंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वे सभी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो वाटर में डिफरेंट नेचर के एनायन या डिफरेंट नंबर ऑफ एनायन को लिबरेट करती है, उस प्रकार के आइसोमर को हम लोग नाम देंगे आयोनाइजेशन आइसोमर। डिफिनेशन क्लियर है? चलो यहाँ जैसे देखो ये डिफरेंट नेचर का हो रहा था, लेकिन अगर मैं एक और एग्जांपल दे दूँ, जरा इसमें देखो तो सी ओ एच टू का होल फाइव सिक्स है और ये बाबू सी एल थ्री है। जरा इसी में देखो सी ओ एन एच थ्री का होल फाइव और एक सी एल अंदर है और सी एल टू एच टू ओ, क्या करना बाबू? यहाँ पर देखो ए आर, चलो इस दोनों में ये पहला और दूसरा में देखो, ये पहला और दूसरा दोनों एक दूसरे का आइसोमर है। क्यों? क्योंकि जो चीज़ें इसमें वही चीज़ें इसमें भी हैं, लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग है। क्यों? क्योंकि देखो इसमें सेंट्रल मेटल के साथ छः मॉलिक्यूल वाटर लिगन के रूप में काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो सेंट्रल मेटल के साथ फाइव वाटर मॉलिक्यूल लिगेंड के रूप में काम कर रहा है और यहाँ पे एक क्लोरो मॉलिक्यूल, क्लोरो जो आयन है वो क्या कर रहा है यहाँ पे लिगेंड के रूप में काम कर रहा है। तो यहाँ पे दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला समान है लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग है। अब जब दोनों को वाटर में डाला जाए तो इसे वाटर में डालोगे, जैसे ही वाटर में डालोगे ये और ये टूट के अलग हो जाएंगे, ये एनायन बनेगा, एक कैटायन बनाएगा और किस प्रकार का एनायन बनाएगा, सी एच टू फाइव का होल सिक्स। देखो बाबू इस पर माइनस आएगा, इस पर प्लस आएगा, तो नेट कितना, नेट इस पर थ्री प्लस और इसमें थ्री सी एल माइनस टूटेगा। जब इसे वाटर में डालोगे, अब इस सेकेंड वाले को वाटर में जब डालोगे तो ये क्या करेगा, सी ओ एच टू ओ का होल फाइव सी एल है ना। तो ये तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो ये कितने चार्ज, टू माइनस टू प्लस और यहाँ पे टू सी एल माइनस टूट कर आएगा वाटर, तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। तो देखो यहाँ पर ये दोनों भी क्या है, आयनाइजेशन आइसोमर है। क्यों?
क्योंकि डिफरेंट नंबर ऑफ इसमें क्या करें एनायन लिबरेट हो रहे हैं, यहाँ पे डिफरेंट नेचर ऑफ एनायन लिबरेट हो रहा था, यहाँ पे डिफरेंट नंबर ऑफ क्या हो रहे हैं एनायन लिबरेट हो रहा है। दैट मीन्स हम बोलेंगे यहाँ पर कि ये और ये क्या है आयनाइजेशन आइसोमर है। तो आयनाइजेशन आइसोमर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करता है। स्ट्रक्चरल आइसोमर में सबसे जो इम्पोर्टेंट आपके लिए बाबू वो कौन है आयनाइजेशन आइसोमर, उसके बाद लिंकेज आइसोमर, उसके बाद जो आपके बाकी और सब है वो सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं बनता है, लेकिन उनमें भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन है आपके पास आयनाइजेशन आइसोमर। थोड़ा सा इस आयनाइजेशन आइसोमर में मीन्स स्ट्रक्चरल आइसोमर की जो वीडियो हैं वो लंबा बन सकते हैं। क्यों बाबू? क्योंकि हम लोग इसमें सारे क्वेश्चंस को भी करेंगे। ओके चलो डिफाइन कर दो, दोज टू और मोर कंपाउंड्स हैविंग दोज टू आर मोर कंपाउंड्स कंपाउंड्स विच प्रोड्यूस सेम सॉरी विच प्रोड्यूस डिफरेंट नंबर ऑफ एनायन और थोड़ा सा बाबू यहाँ पे डिफरेंट नंबर ऑफ कौन से एनायन डिफरेंट नंबर ऑफ सिंपल एनायन सिंपल एनायन और डिफरेंट नेचर ऑफ सिंपल एनायंस क्या कहलाएगा बाबू आर कॉल्ड आयोनाइजेशन आइसोमर नाइजेशन आइसोमर। ओके और अभी जस्ट मैंने लिखा था कि लिगेंड और ये आयोनाइजेशन आइसोमर क्यों बनती है कि जस्ट अभी मैंने आपको ये बताया था NH3 का होल 6 और यहाँ पे बाबू BR था ना, बाहर में SO4 है, ये BR माइनस जाकर सिंपल एनायन को बना दिया, काउंटर आयन को बनाया और सल्फेट आयन कराकर लिगेंड बना दे। तो अब आपके पास जो कंपाउंड बनेगा वो किस प्रकार से बनेगा बाबू, इस प्रकार से SO4 और BR है ना, तो दोनों एक दूसरे का आइसोमर है। क्यों बाबू और कौन सा आइसोमर है आयनाइजेशन आइसोमर है, क्यों? क्योंकि ये वाटर में इस सल्फेट आयन को लिबरेट करेगी और ये वाटर में ब्रोमाइड आयन को लिबरेट करेंगे, डिफरेंट नेचर ऑफ सिंपल एन आयन को लिबरेट करेंगे, इसलिए दोनों क्या है आयनाइजेशन आइसोमर है। और आयनाइजेशन आइसोमर क्यों बनता है आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये जो लिगेंड है और काउंटर आयन है, लिगेंड और काउंटर आयन के बीच इंटरचेंज अदला बदली जिसको हम लोग एक्सचेंज के नाम जानते हैं, इंटरचेंज होने के कारण बनती है। अगर इंटरचेंज हो जाएंगे तो दूसरा कंपाउंड बनेगा, और दूसरा कंपाउंड बनेगा तो वहां पे दूसरा आयन लिबरेट होगा। तो मैं दूसरा पॉइंट यहां पर लिखूं, ड्यू टू इंटरचेंज इंटरचेंज ऑफ लिगेंड एंड सिंपल आयन आयोनाइजेशन आइसोमर इज डेवलप्ड। ओके बाबू आयोनाइजेशन आइसोमर क्यों बनेंगे,
उसके लिगेंड और काउंटर आयन के अदला बदली होने के कारण, इंटरचेंज होने के कारण, जैसे कि आपके पास मैं एग्जांपल यहाँ पर दूँ, ये पहला और दूसरा, फर्स्ट एंड सेकेंड, या फर्स्ट और सेकेंड किस प्रकार के आइसोमर हैं, आयोनाइजेशन आइसोमर है। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ, हियर फर्स्ट एंड सेकेंड आर आयोनाइजेशन आइसोमर। क्यों? क्योंकि ये डिफरेंट आयन को, वो भी कौन सा आयन, डिफरेंट एनायन को वाटर में लिब्रेट करेगी, रिलीज करेगी। ओके बाबू, जल्दी से बच्चों आप क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और जल्दी से नोट करोगे, ठीक है। लो मैं इस साइड हो जाता हूँ, ले लिए होंगे। चलो अब देखो, इस आयोनाइजेशन आइसोमर में क्वेश्चन किस प्रकार से करेंगे, एक तो ये पूछ देंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग, सॉरी ये और ये दे देंगे, और ये किस प्रकार की आइसोमर है। हालांकि मैं अभी सभी आइसोमर को तो नहीं बताया हूँ, लेकिन फिर भी मैं इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन को आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे इसी से क्वेश्चन कैसे कर देगा, क्वेश्चन है पीटी एनएच थ्री होल फॉर चलो रहने दो फाइव, और मैंने यहाँ पे आई रखा एसओ फोर, ओके, एंड एसओ फोर ही मैंने रख रहा हूँ, मैं कार्बोनेट आयन को रख रहा हूँ, ओके बाबू, एंड पी टी एन एस थ्री होल फाइव कार्बोनेट आयन है, सो कार्बोनेटो बोलेंगे हम लोग आई, ओके बाबू, एवर आर आइसोमर, एवर आर विच टाइप ऑफ, विच टाइप ऑफ आइसोमर, वो दोनों किस प्रकार के आइसोमर है। ओके बाबू, तो पहला है आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन आयोनाइजेशन आइसोमर, सेकेंड इज लिंकेज आइसोमर, हालांकि अभी हम लोग इसको नहीं पढ़े हैं, थर्ड इज हाइड्रेटेड, इसको सॉल्वेटेड भी बोलते हैं आइसोमर, एंड फोर इज नन ऑफ द अबव। पूरी तरह से इस प्रकार के आइसोमर को देखने के लिए अपना जो आँख है ना, उसको एक्यूट विजन दो। एक्यूट विजन करने का मतलब पूरी तरह सरसरी निगाहों से देखो, और जब तक आप आइसोमर को सरसरी निगाहों से नहीं देखोगे, तब तक वो आपको रिजल्ट नहीं देगा। इसको आ जाओ बाबू, पानी में डालोगे तो ये किस प्रकार के CO3 टू माइनस आयन को लिब्रेट करेगा, है ना। चूंकि दोनों एक दूसरे, पहले तो ये देखना कि दोनों आइसोमर है कि नहीं है। देखो दोनों एक दूसरे का आइसोमर है, क्यों, क्योंकि जो इसमें वही इसमें है, लेकिन स्ट्रक्चर दोनों का अलग अलग है। और इसे जब वाटर में डालोगे तो ये एनायन के रूप में किसको लिब्रेट करेगा, आई माइनस को। तो चूंकि वाटर में डिफरेंट नंबर ऑफ, सॉरी डिफरेंट नेचर ऑफ एनायन को लिब्रेट कर रही है, डिफरेंट नंबर ऑफ आयन को लिब्रेट करे, है ना, यहाँ हालांकि डिफरेंट नेचर को कर रहा है, तो किस प्रकार के आइसोमर होंगे आपको, वो आयोनाइजेशन आइसोमर का। ओके बाबू, देखो अब उससे भी एक मैं क्वेश्चन और करता हूँ, जरा अपना पोटेंशियल को दिखाना। एक क्वेश्चन मैं और करता हूँ, जरा अपना पोटेंशियल को दिखाना, ठीक है। जैसे मैं आपको क्वेश्चन कर दूँ,
प्लैटिनम, ओके बाबू, प्लैटिनम NH3, चलो यहाँ पे वाटर रख दो, अच्छा रहेगा। हालांकि वाटर 6 मॉलिक्यूल पड़ा हुआ है और ये थोड़ा सा ये 5 ही करना ठीक रहेगा। यहाँ पे BR पड़ा हुआ है और Cl3 पड़ा हुआ है, ठीक है। एक यहाँ पर है, मैंने ये कंपाउंड दिया एंड प्लैटिनम H2 का होल 5 BR, ओके बाबू। और यहाँ पे I3 पड़ा हुआ है। और अब मैं क्वेश्चन कर दूं, ए बाबू फर्स्ट एंड सेकेंड आर विच टाइप ऑफ आइसोमर, जो ऊपर में पहला और दूसरा है वो दोनों किस प्रकार के आइसोमर हैं। तो पहला मेरा ऑप्शन है आयोनाइजेशन आइसोमर, सेकेंड है लिंकेज आइसोमर और थर्ड जो आपके पास है वो है कोऑर्डिनेशन आइसोमर, एंड फोर जो है नन ऑफ द अबव, ओके। तो मैंने पहले कहा कि आइसोमर को पढ़ने के लिए आप अपने एक्यूट विजन को लगाओ। तो बच्चे गलतियां कहाँ करते हैं, देखो बाबू, अब यहाँ पे जैसे आप कंपाउंड पर आओगे, और यार ये वाटर में तो Cl- लिब्रेट करेगा 3 मॉलिक्यूल एनायन, है ना, और ये कितना करेगा I- लिब्रेट करेगा कितना 3 मॉलिक्यूल। तो वाटर में डिफरेंट नंबर ऑफ अगर एनायन को लिब्रेट करे तो आयोनाइजेशन आइसोमर है। और बच्चे सबसे पहले इसी को मारकर आएंगे, है ना, लेकिन मैंने कहा खामोश, थोड़ी सी अपनी आई विजन को क्लियर करके रखो बाबू। कि और बच्चे जब देखते हैं यार आयोनाइजेशन इतना आसान सा क्वेश्चन था, मैं तो मार दिया उसको, सर मैंने मार दिया सर, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। नहीं बाबू, आपने नहीं मारा, आपने अपने आप को मार दिया। अब बोलो कैसे, पहले तो आपको ये ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि आइसोमर होने के लिए उसका तो मॉलिकुलर फॉर्मूला समान होना पड़ेगा। जरा देखो तो इसमें प्लैटिनम है, वाटर के मॉलिक्यूल 5 है, इसमें Br1 है, इसमें भी Br1 है, इसमें Cl3 है, इसमें I3 है। जब मॉलिकुलर फार्मूला ही समान नहीं है तो आप स्ट्रक्चर पर कहाँ से बात करोगे। दैट मीन्स ये आइसोमर है ही नहीं, और आइसोमर है ही नहीं तो आपको कौन सा आंसर मिलेगा, ये वाला आंसर मिलेगा, ये आंसर नहीं मिलेगा। इसलिए बच्चों तो जितने ही क्वेश्चन आसान होते हैं वो उतना ही पैनिक हुआ करता है, उतना ही आपके लिए चुभने वाला क्वेश्चन होता है। इसलिए आसान क्वेश्चन पर थोड़ा सा अपना पेशेंस रखना, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया है ना। तो बच्चों मुझे लगता है कि आप पूरी तरह से क्लियर कर लिए होंगे अपने आप को, आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दूँ, चलो बाबू इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन था, ये आपके पास एक क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन कराऊंगा, देखना। माय क्वेश्चन इज हाउ मेनी आयोनाइजेशन आइसोमर्स आर पॉसिबल ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला
मॉलिकुलर फार्मूला CO Cl3 6H2 है ना। CO कोबाल्ट है ये, Cl3 6H2। इस मॉलिकुलर फार्मूला का कितने आयोनाइजेशन आइसोमर बन सकते हैं, आयोनाइजेशन आइसोमर का मैं बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। देखो बाबू, आपके पास CO Cl3 6H2 है, ओके बाबू, इसके कितने आयोनाइजेशन आइसोमर बनेंगे? तो मैं देखो, आप 14th लेक्चर में जाना और 14th लेक्चर में जाकर देखना, मैंने बताया था कि प्लैटिनम का कोबाल्ट का है ना, प्लेटिनम हो गया, कोबाल्ट हो गया, फिर आपके पास वहाँ पे आयरन मिले होंगे है ना, फिर निकेल मिला होगा। अगर इन सब का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो, अगर सॉरी ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 3 हो, ऑक्सीडेशन प्लस 3 हो, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितने होते हैं? 6 होते हैं। आप यहाँ पर देख लो बाबू, इस कंपाउंड में इसका तो ऑक्सीडेशन नंबर 0, इसका कितना माइनस 3, तो इसका कितना प्लस 3, तो कोबाल्ट का यहाँ पे प्लस 3 ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है, दैट मीन्स इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होंगे? 6 होंगे। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होंगे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाला आप क्या करो, उसका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लो। इन सबको जानने के लिए बाबा आप क्या करो, एक बार 14th लेक्चर को बड़ी ही सरलता से स्टडी कर लेना, ठीक है। देखो, अगर ये हैं तो मैंने एक कंपाउंड बनाया CO हुआ और H2O का होल 6, ओके बाबू, तो Cl3 कहाँ जाएगा? बाहर जाएगा। एक कंपाउंड तो ये बना। दूसरा पॉसिबल इसके हैं, CO एक वाटर मॉलिक्यूल को बाहर कर दो, एक Cl को अंदर करो, चूँकि कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना 6 होता है, तो 6 तो बनाना पड़ेगा। देखो अभी भी कोऑर्डिनेशन में कितना 6 है, पहले भी 6 था, अभी भी 6 हैं, और एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर चला गया, तो अब यहाँ कितना बचा बाबू? दो, एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर चला गया, ठीक है। फिर एक और बन सकते हैं, और बन सकते हैं इसमें से, एक Cl को और अंदर लाओ, वाटर मॉलिक्यूल को बाहर फेंक दो, बाहर मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर कर दो, तो यहाँ पे अब कितने क्लोरीन हो गए? दो, और दो हो गए तो बाहर में कितने बच गए बाबू? और वाटर मॉलिक्यूल कितने हो गए? अब आपने दो वाटर मॉलिक्यूल को बाहर कर दिया है ना। अभी भी देखो, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, ऑक्सीडेशन नंबर इसका कितना है? -2 और -1, अभी भी +3 है ना। अगला जो है पॉसिबिलिटीज हैं फोर में, कि एक इसका वाटर मॉलिक्यूल और बाहर कर दो, कोबाल्ट है, H2 का होल 3, और अब अगर क्लोरीन को एक अंदर करोगे, एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर करोगे, तो अब क्या होगा? इस प्रकार के होंगे, है ना बाबू। अब देखो, क्या इसे और ज़्यादा कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते ना। और अब आप लोग से क्वेश्चन ये बनता होगा, सर अगर आपने ऐसा लिखा तो क्या सर हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते थे क्या? जैसे कि यहाँ पे इस प्रकार से CO Cl3 और H2O, हालांकि यहाँ लिखा हुआ मैं, सब यहाँ लिखा हुआ है। अब देखो, इनमें से इसके कितने आयोनाइजेशन आइसोमर पॉसिबल है? अगर इसे आप वाटर में डालते हो, ये 3 मोल Cl- आयन लिब्रेट करेगा वाटर में, ओके बाबू। अगर इसे वाटर में डालते हो तो ये कितना? 2 मोल Cl- आयन लिब्रेट करेगा, तो वाटर न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है ना, वो तो उस पर तो कोई आयन होता नहीं है। अगर ये वाटर में जाती है तो कितना? 1 मोल Cl- आयन लिब्रेट करेंगे, ओके बाबू। और अगर इसे वाटर में डालते हो तो किसी प्रकार के नेगेटिव आयन को लिब्रेट नहीं करेगी, क्योंकि ये वाटर बना हुआ है और वाटर क्या होते हैं? न्यूट्रल मॉलिक्यूल हुआ करता है, तो वाटर कभी भी आयन के रूप में लिब्रेट नहीं करेगा। हालांकि सब एक दूसरे का आइसोमर है, लेकिन ये आयनाइजेशन आइसोमर है, ये आयनाइजेशन आइसोमर है, ये आयनाइजेशन आइसोमर है, लेकिन ये आयनाइजेशन आइसोमर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये किसी प्रकार के एनायन को वाटर में लिब्रेट नहीं करेगा। दैट मीन्स इस कंपाउंड के 1, 2, 3, 4 ही पॉसिबल आइसोमर हैं। ये आइसोमर तो है, लेकिन आयनाइजेशन आइसोमर कितने हैं? मात्र 3 होंगे। इसके कितने आइसोमर हैं बाबू? 4, लेकिन आयनाइजेशन कितने? मात्र 3, ओनली 3 आयोनाइजेशन आइसोमर्स
आर पॉसिबल। ओके बाबू, सर इस प्रकार से क्वेश्चन दे तो बना दोगे? हाँ चलो, फटाफट स्क्रीनशॉट करोगे? फटाफट बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें देखो, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग आयनाइजेशन आइसोमर उसे कहेंगे जो वाटर में सिंपल एनायन को लिब्रेट करता हो। ओके बाबू, सिंपल एनायन को लिब्रेट करता हो उसे ही हम लोग आयनाइजेशन आइसोमर कहेंगे। जैसे देखो, अब इसी में बहुत ही आसान क्वेश्चन आपको फंसा देगा। विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो ऐसा करो बाबू, फॉलोइंग कैन शो, दिखा सकता है आयोनाइजेशन आइसोमर। कौन आयोनाइजेशन आइसोमर को दिखा सकता है, मतलब कौन वाटर में सिंपल एनायन को लिब्रेट कर सकता है, ये ना हमको सर्च करना है। फर्स्ट ऑप्शन इज K4FeCl6। सेकेंड इज PtNH3Cl4 एंड Cl2। ओके बाबू, सॉरी थोड़े से यहाँ पे 2 एंड ये 4 कर लेना, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज 4 नंबर में आपके पास फोर्थ ऑप्शन है CO NH3Cl6 एंड Cl3 एंड सॉरी वन फर्स्ट सेकेंड थर्ड है ना, और फोर इज नन ऑफ द अबव या ऑल ऑफ द अबव। कौन इनमें से आयनाइजेशन आइसोमर दिखाएंगे, तो मुझे देखना है कौन सिंपल एनायन को वाटर में लिब्रेट करेगी। देखो बाबू, ये सिंपल कैटायन कॉम्प्लेक्स एनायन वाटर में डालोगे तो किस प्रकार के एनायन को लिब्रेट करेगा, FeCl6 और ये 4-, ये सिंपल एनायन है क्या? नहीं है, है ना। इसमें आ जाओ, ये तो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, किसी प्रकार के एनायन को लिब्रेट नहीं करेगा। इसमें आ जाओ, ये कॉम्प्लेक्स कैटायन सिंपल एनायन, दैट मीन्स ये 3Cl- आयन को लिब्रेट करेगा। नहीं बाबू, ये किस प्रकार कंपाउंड है, एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। ये किस प्रकार के कॉम्प्लेक्स है बाबू, एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। ये किस प्रकार के, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। और ये किस प्रकार के कॉम्प्लेक्स हैं, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है। तो एक चीज दिख गया होगा कि आयनाइजेशन आइसोमर सिर्फ और सिर्फ कैटायनिक कॉम्प्लेक्स ही दिखा सकता है, न्यूट्रल और एनायनिक कॉम्प्लेक्स नहीं दिखाए, क्योंकि एनायनिक कॉम्प्लेक्स में कॉम्प्लेक्स के रूप में एनायन जो बनेंगे कॉम्प्लेक्स के रूप में बनेगा, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स तो कोई आयन लिब्रेट ही नहीं करेगा, और कैटायनिक कॉम्प्लेक्स ही सिंपल एनायन को लिब्रेट कर सकती है। दैट मीन्स ये आपको आयनाइजेशन आइसोमर दे सकता है, ये नहीं देंगे। तो हम लोग नोट करके लिख लें कि आयनाइजेशन आइसोमर सिर्फ और सिर्फ किस प्रकार के कॉम्प्लेक्स देंगे बाबू, वो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स ही देंगे और बाकी के कॉम्प्लेक्स नहीं देंगे। नोट करके लिखो, आयोनाइजेशन आइसोमर इज ओनली शोन बाय
शॉन बाय कैटानिक कैटानिक कॉम्प्लेक्स। कैटानिक कॉम्प्लेक्स में ही आपको सिंपल एनायन मिल सकते हैं। ओके बाबू फटाफट लिखोगे। चलो एक और क्वेश्चन, थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये, बोर्ड लेवल पे इस प्रकार से क्वेश्चन नहीं कर करता है, हालांकि सीबीएसई बोर्ड कर सकता हो, लेकिन जेई मेंस एडवांस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जेई मेंस एडवांस के लिए इस प्रकार क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, बोर्ड क्वेश्चन नहीं करेगा। हाँ सीबीएसई कर सकता हो, लेकिन आपको ये सब बोर्ड इस प्रकार क्वेश्चन नहीं करते हैं, समझना बाबू। क्वेश्चन है ए एंड बी आर टू आयोनाइजेशन आइसोमर्स ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CO NH3 का होल 5 BR SO4 है ना। A gives white precipitate with barium chloride solution and B gives allo precipitate with barium chloride solution हो गया। चलो मैं क्वेश्चन थोड़ा सा रिपीट करूं, देख रहा हूं बाबू। ठीक है, एलो प्रेसिपिटेट विथ सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। ओके बाबू, आइडेंटिफाई एंड बी। ओके बाबू ध्यान से समझना, तो क्वेश्चन है कि ए और बी दो आयोनाइजेशन आइसोमर है जिसके कि मॉलिकुलर फॉर्मूला आपको इस प्रकार से दिया हुआ है CO NH3 का होल 5 BR SO4 इस प्रकार के मॉलिकुलर फॉर्मूला दिया हुआ है, और इस मॉलिकुलर फॉर्मूला के दो आयोनाइजेशन आइसोमर ए और बी दिया हुआ है ना। इसके दो आइसोमर हैं, कैसा आइसोमर, आयोनाइजेशन आइसोमर है। कहता है जो ए इसके आइसोमर थे, अगर उसे बेरियम क्लोराइड के सॉल्यूशन से ट्रीट कराते हो, रिएक्शन कराते हो, तो किस प्रकार के प्रेसिपिट देता है, व्हाट प्रेसिपिट देती है, और जब इसे बी वाले को इस सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन से आप ट्रीट कराते हो, रिएक्शन कराते हो, तो किस प्रकार के प्रेसिपिट देता है, येलो प्रेसिपिट देता है। तो कहता बताइए कि ए और बी कौन सा है। तो थोड़ा सा आपको मेमोरी में इसको सेट करना पड़ेगा, इसको याद करना पड़ेगा। कैसे याद करना पड़ेगा वो देखो, टेस्ट ऑफ एनायन। मैं सारे एनायन तो नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ यहाँ पर वही एनायन बता रहा हूँ जो आपको काम चला दे, ठीक है ना। एनायन, और एनायन को हम लोग एसिड रेडिकल बोलते हैं। एनायन बोले तो एसिड रेडिकल और केटायन को बेसिक रेडिकल बोलते हैं हम लोग, ठीक है बाबू। देखो एनायन में इधर कुछ लिख रहा हूँ, जैसे कि आपके पास मैंने एक एनायन दिया SO4 2- आयन, ओके, Cl- आयन, Br- आयन, आयोडाइड- आयन, क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड सल्फेट।
अगर सल्फेट आयन को बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराओगे, देखो एन आयन है, इसके कैटायन से रिएक्शन करेगा, ये कैटायन एन आयन हुआ, ये एन आयन इस कैटायन से रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा, बेरियम सल्फेट। और जैसे बेरियम सल्फेट बनेगा ना, वो किस प्रकार का कम आपको सब्सटेंस मिलेगा, वाइट प्रिसिपिटेट के रूप में मिलेगा। ओके बाबू, जब क्लोराइड आयन को सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन से रिएक्शन कराओगे, तो ये कैटायन है, एनायन कैटायन से रिएक्शन कराएगा, बनेगा सिल्वर क्लोराइड बनेंगे, और सिल्वर क्लोराइड जो होंगे वो किस प्रकार बाबू वाइट प्रिसिपिटेट हुआ करता है। ठीक है, इसमें आ जाओ, जब ब्रोमाइड आयन सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन करे इसके सॉल्यूशन से, तो बनाएगा सिल्वर ब्रोमाइड, ये किस प्रकार के प्रिसिपिटेट होता है, एलो प्रिसिपिटेट। और कैसा एलो बाबू, लाइट एलो होता है, हल्की एलो होता है, लेकिन एलो ही होता है, तो मैं लिख दूं यहाँ पे एलो प्रिसिपिटेट। ओके, अगर आयोडाइड आयन रिएक्शन करे सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन से, तो किस प्रकार के प्रिसिपिटेट बनाएगा, AgI, और ये भी क्या होता है बाबू, एलो प्रिसिपिटेट होता है, एलो PPT, है ना, ये हल्का एलो होता है और ये डिप एलो हुआ करता है। ओके, लेकिन एलो ही होते हैं, तो थोड़ा सा आपको इसको याद करना पड़ेगा। एनायन एसिडिकल में इन सब एनायन को थोड़ा सा आप मेमोरी में पुट कर लो, बहुत आसान है। सल्फेट आयन बेसिकली बेरियम क्लोराइड के सॉल्यूशन से रिएक्शन करके बेरियम सल्फेट का वाइट प्रिसिपिटेट देता है, क्लोराइड आयन सिल्वर नाइट्रेट से वाइट प्रिसिपिटेट देती है, ब्रोमाइड आयन एलो लेकिन कैसा लाइट एलो, और आयोडाइड आयन किस प्रकार का बाबू, वो पूरी तरह से डीप एलो देता है। अब यहाँ आ जाओ, कह रहा है कि ये जो CO NH3 का होल 5 BrSO4, ये मॉलिकुलर फार्मूला आपको दिया हुआ है, फार्मूला इसके दो आयनाइजेशन आइसोमर हैं, एक ए है और एक बी है। ओके बाबू, ए और बी है, तो कहता है चलो पहले इसको दो आयनाइजेशन आइसोमर बना लो, एक CO हम जानते हैं कोबाल्ट का कॉर्डिनेशन नंबर 6 होता है और ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है बाबू, +3 हुआ करते हैं, NH3 का होल 5 Br और SO4 आप देख सकते हो बाबू यहाँ पे। ओके, और एक इसका आयनाइजेशन आइसोमर कैसे बना लो, CO NH3 SO4 को अंदर करो और Br को बाहर करो, ये दो तो आयनाइजेशन आइसोमर है, लेकिन कहता है इसमें से कौन A और कौन B होगा, इसी में से मुझे A और B को चुनना है। कह रहा है कि A वाला जो है वो किसके साथ बेरियम क्लोराइड से रिएक्शन करती है और क्या देता है, और रिएक्शन करके वाइट प्रिसिपिटेट देता है। देखो बेरियम क्लोराइड सल्फेट आयन से रिएक्शन करेंगे और वाइट प्रिसिपिटेट देगा किसका, बेरियम सल्फेट का। यहाँ पर देखो बाबू, यहाँ पर देखो, मैं इधर मिटा रहा हूँ, ये जो कॉम्प्लेक्स हैं इस कॉम्प्लेक्स में कौन एनायन लिबरेट करेगा, एनायनिक आयनाइजेशन आइसोमर है, SO42- लिबरेट करेगा, और जब SO42- लिबरेट किया, अब इस कंपाउंड में जैसे आप बेरियम क्लोराइड को डालोगे तो क्या बनाएगा, वो बेरियम सल्फेट का वाइट प्रिसिपिटेट बना लेगा, बेरियम सल्फेट का वाइट प्रिसिपिटेट बना लेगा। ओके बाबू, इसमें आ जाओ, ये देखो ये क्या लिबरेट करेगा, ये आपके पास लिबरेट करने जा रहा है, ये जो रिलीज करेगा ये क्या Br- लिबरेट करेगा। ओके, जैसे Br- लिबरेट करेगा, अगर आप इसे इसमें आप सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन डालते हो तो किस प्रकार का कॉम्प्लेक्स बनाएगा, सिल्वर ब्रोमाइड बनाएंगे, और ये किस प्रकार का होता है बाबू, एलो प्रिसिपिटेट होता है। ओके, तो आप इस प्रकार के एनालिसिस करके ए बी को पहचान सकते हो। तो ये कह रहा था ए और बी दो आयनाइजेशन आइसोमर इस मॉलिक्यूलर फार्मूला का, इस मॉलिक्यूलर फार्मूला दो आयनाइजेशन आइसोमर था, जिसमें से ए क्या करता है, ए बेरियम क्लोराइड से रिएक्शन करता है और वाइट प्रिसिपिटेट बनाती है। तो देखो बेरियम क्लोराइड से रिएक्शन किया
है ना। तो व्हाइट प्रिसिपिटेट ब्लैक क्लोराइड तभी बनाएगा जब उसमें सल्फेट आयन होगा, दैट मीन्स सल्फेट आयन था। और बी जो है वो सिल्वर नाइट्रेट के साथ एलो प्रिसिपिटेट बनाती है, तो सिल्वर नाइट्रेट एलो प्रिसिपिटेट किससे बनाएगा, ब्रोमाइड आयन से, जो किसमें था, दैट मीन्स ये आपके कौन है ए है और ये कौन है बी है। दैट मीन्स इसका जो ए होगा वो कौन होगा, ये वाला कंपाउंड होंगे ओके, और बी कौन होगा, ये वाला कंपाउंड होगा ओके। बाबू क्लियर, किसी प्रकार का प्रॉब्लम है ना, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें बच्चे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, लेकिन ये बोर्ड लेवल की नहीं क्वेश्चन है। हाँ सीबीएसई क्वेश्चन कर सकता है, लेकिन ये खास करके आपके जेएमएनस एडवांस के लेवल के बहुत अच्छे क्वेश्चन माने जाते हैं ऐसे, और नीट भी क्वेश्चन इसमें कर सकता है ओके। आप जल्दी से इसको सॉल्व करें, सॉरी जल्दी से इसका स्क्रीन शॉट ले लें। तो आयन, फिर से मैं बोल दूँ बाबू, हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमर में जितने भी पढ़े उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, आपके पास आयनाइजेशन आइसोमर है, लिंकेज थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बनता है, लेकिन हाइड्रेटेड आइसोमर और कोऑर्डिनेशन आइसोमर उतना इंपॉर्टेंट नहीं बनता है। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन था वो मैंने आपको कराया है ना। अब बाकी के अब इसके जो आइसोमर है थोड़ा सा, अब इसमें मैं ज़्यादा बना दूँ तो वीडियो कुछ ज़्यादा लंबा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए उसको मैं क्या कर रहा हूँ, जो इसके और नेक्स्ट पार्ट हैं लिंकेज आइसोमर सब हैं, उस सबको मैं आपको बाबू नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। तब तक के लिए आर के सेन की तरफ से बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।